आपकी थर्ड नहीं है, सॉरी क्लास आपकी फोर्थ है। सब्जेक्ट आपका ईवीएस है, चैप्टर आपका सेल्स है, एंड चैप्टर नंबर 9 क्या है आपका क्लॉथ। चैप्टर 9 क्या है आपका क्लॉथ। ये आपके चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम क्या है क्लॉथ। क्लॉथ मतलब क्या होते हैं कपड़े, क्लॉथ का मतलब क्या होता है कपड़े। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। क्लॉथ आर वन ऑफ आवर बेसिस नीड, क्लॉथ जो होते हैं वो कपड़े, जो क्लॉथ मतलब कपड़े होते हैं, क्लॉथ सबकी रोज की जरूरत होती है। क्लॉथ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट कोल्ड डस्ट जम्स एंड इंसेक्ट, जो कपड़े होते हैं वो हमारी रक्षा करते हैं यानी प्रोटेक्ट करते हैं कैसे, गर्मी से, ठंड से, धूल से आदि। सम क्लॉथ आर स्पेशली मेड और प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन, और कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होते हैं, वो हमें वर्षा से बचाते हैं, रेन से बचाते हैं। डिफरेंट क्लॉथ फॉर डिफरेंट वेदर, यानी कि डिफरेंट क्लॉथ आर डिफरेंट वेदर, यानी कि डिफरेंट अलग अलग प्रकार के कपड़े होते हैं अलग अलग मौसम के लिए। वी वेयर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ इन डिफरेंट वेदर, अलग अलग वेयर डिफरेंट यानी कि अलग अलग सीजन में हम अलग अलग विभिन्न विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनते हैं। कॉटन क्लॉथ, वी वेयर लाइट कॉटन क्लॉथ इन समर, जो समर होते हैं गर्मी का जो सीजन आता है, गर्मी का मौसम आता है, गर्मी के मौसम में हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं जो बहुत ही ज़्यादा लाइटली होते हैं। दे कीप अस कूल एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एक्सेस हीट, और ये था कि वे स्कूल, ये बहुत ही ज़्यादा कूल होते हैं और ये हमारी प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सेस हीट यानी कि ये हमारी सुरक्षा करते हैं। बी वियर टी शर्ट, हाफ शर्ट, शॉर्ट, कॉटन जीन्स, फॉक ईटीसी, गर्मियों के कपड़े कौन कौन से होते हैं, टी शर्ट, हाफ शर्ट, शॉर्ट कपड़े, कॉटन के जीन्स, फ्रॉक ईटीसी, ये हमारे कौन से कपड़े होते हैं, ये हमारे समर के कपड़े होते हैं। इन समर सीजन, और इनको समर के सीजन में पहना जाता है यानी कि समर की गर्मियों के मौसम में पहना जाता है। वूलन क्लॉथ यानी कि ऊनी कपड़े, वी वेयर थिक वूलन क्लॉथ इन विंटर, ऊनी कपड़े बहुत मोटे होते हैं और ये सर्दियों में पहने जाते हैं। दे कीप अस वार्म, ये बहुत गर्मी देते हैं। वी वेयर स्वेटर, वी वेयर शॉर्टर स्कार्फ जैकेट एंड कोट इन विंटर, जो गर्मियों का ठंडों का सीजन होता है, ठंडों के सीजन में कौन कौन से कपड़े पहने जाते हैं, शॉर्टर पहना जाता है, स्कार्फ पहना जाता है, जॉकेट पहनी जाती है, कोट आदि पहनते हैं। अब आता है आपका रेन क्लॉथ, रेन क्लॉथ मतलब, रेन क्लॉथ मतलब कि वर्षा वाले कपड़े। दे क्लॉथ दैट वी वेयर इन रेन इन वाटर प्रूफ, जो हमें पानी से बचाते हैं। दे कीप अस ड्राई इन द वेस्ट वीथर, और जो पानी को ड्राई कर देते हैं यानी कि जो पानी हमारे ऊपर गिरता है उसको क्या कर देते हैं, अब्सॉर्ब कर देते हैं। वी वेयर रेन कोट एंड जंप बूट इन द रेन, रेन कोट और जंप बूट्स जो होते हैं वो वर्षा वाले कपड़े होते हैं यानी रेन में पहने वाले। वी यूज अम्ब्रेला इन द रेन, और जो अम्ब्रेला होता है, जो छाता होता है, उसको भी हम वर्षा के मौसम में यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट, अब आता है आपका सिक्योर ऑफ रेन मटेरियल फॉर क्लॉथ, यानी कि कच्चे माल से बने हुए कपड़े। क्लॉथ आर मेड आउट ऑफ देम थर्ड क्लॉथ फाइबर, पतले धागों से, जो फाइबर द्वारा पतले धागों से बनाए हुए कपड़े। फाइबर आर फाइबर इनटू लॉन्ग स्ट्रॉन्ग थ्रेड एंड द मूव थंडर टू मेक क्लॉथ, ये फाइबर से जो कपड़े होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्पिन यानी कि लॉन्ग स्ट्रॉन्ग यानी कि लॉन्ग भी होते हैं, लंबे और मजबूत होते हैं, और ये कच्चे धागे के बने होते हैं, इनको कपड़े बुनने के लिए यूज में किया जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर, जो फाइबर होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, फाइबर वाले कपड़े क्या हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारा नेचुरल फाइबर, सेकेंड होता है सिंथेटिक फाइबर। फर्स्ट हमारा क्या है, नेचुरल फाइबर, ये फर्स्ट है। सेकेंड हमारा क्या है,
नेचुरल फाइबर मतलब प्रकृति के द्वारा लिया गया हो या प्रकृति के द्वारा तो युग में लाया गया या प्रकृति की देन समझो या प्रकृति आधुनिक जो अद्भुत तरीके से जो किसी के थ्रू ना हो अलग से ही आया हो प्रकृति यानी ईश्वर की देन समझ लीजिए। नेचुरल यानी प्रकृति जैसे आपने देखे होंगे पत्थर पहाड़ ये सारे क्या है नेचुरल है जो जिसको किसी ने बनाया नहीं है प्रकृति के द्वारा ही है ठीक उसी तरह ये नेचुरल फाइबर जो कि प्रकृति के द्वारा ही है सिंथेटिक फाइबर जो सिंथेटिक जो सिंथेटिक टाइप में होते हैं सिंथेटिक कपड़ों के थ्रू होते हैं जिनसे कपड़े फाइबर जिससे ऐसा लॉन्ग धागा टाइप का निकलता है उससे कपड़े बुनने के लिए उसको यूज में किया जाता है। एनिमल सिट्रोस यानी कि जानवर वाला स्ट्रोस एनिमल सिट्रोस ऑफ रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग वूलन एंड सिल्क कॉटन ऊनी और रेशमी कपड़े बनाने के लिए कच्चे माल को पशु के द्वारा लिया जाता है। वूल इज ऑफ्टन फॉर्म हेयर ऑफ थ्रेड कैमल या अंगोरा कोट ईटीसी वूल जो होता है ऊन जो होता है वो हमें ऊन जो होता है वो जो भेड़ होता है सीप यानी कि भेड़ कैमल ऊंट याक अंगोरा इनके बालों से बनाया जाता है बालों से लिया जाता है उससे हम क्या करते हैं वूलन वाले जो कपड़े हैं वो बनाए जाते हैं। हेयर ऑफ एनिमल इज स्पिन इनटू वूलन यार्न और उनके बालों को निकाल निकाल के हम जो ऊनी कपड़े होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं यानी कि उनको यूज में लाया जाता है उनको बनाया जाता है काय से बनाया जाता है जो उनके जो कपड़े होते हैं जो ऊनी कपड़े होते हैं वो हमारे जो एनिमल्स होते हैं एनिमल्स के बालों को निकाल कर उन ऊनी कपड़ों को बनाया जाता है उनको यूज में लाया जाता है। ओके स्टूडेंट आपकी क्लासेस क्लोज एक्सेसरीज हम पीडीएफ के द्वारा लिखेंगे एंड क्लासेस क्लोज। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।